वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जो आप नेता राघव चड्ढा हैं, राज्यसभा में निलंबन के खिलाफ आप नेता राघव चड्ढा की याचिका पर हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंचूर और न्यायमूर्ति जेवी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, जिन्हें 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, असभ्य रवैये के लिए निलंबित कर दिया गया था और अवमाननापूर्ण आचरण विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट लंबित है। वकील सादान फरासत के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आप नेता ने कहा कि अनिश्चित काल के लिए निलंबन करने की शक्ति खतरनाक रूप से अधिकता और दुरुपयोग के लिए खुली है। याचिका में कहा गया है कि निलंबन करने की शक्ति का उपयोग केवल ढाल के रूप में किया जाना है, ना कि तलवार के रूप में, यानी यह दंडात्मक नहीं हो सकता है। याचिका में कहा गया कि निलंबन नियमों के नियम 256 का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्यों की परिषद में कार्य की प्रक्रिया और आचरण विशेष सत्र के विशेष समय के अधिक की अवधि के लिए किसी भी सदस्य के निलंबन के खिलाफ स्पष्ट निषेध शामिल है। इसमें कहा गया कि चालू सत्र की विशेष अवधि से परे निलंबन न केवल एक बेहद अतार्किक उपाय होगा, बल्कि संबंधित सदस्य के अनावश्यक अभाव और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि यह निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों का भी घोर उल्लंघन होगा। याचिका में कहा गया कि निलंबन का प्रभाव बर्खास्तगी जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार अनिश्चितकालीन निलंबन का प्रभाव विशेष रूप से सत्र की अवधि के बाहर वास्तव में एक अवधि के बाद एक रिक्ति पैदा करना है। 60 दिनों के अंदर 11 अगस्त को सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया था, जिन्होंने उच्च सदन के कुछ सदस्यों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल करने के लिए आप नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 के लिए यह प्रस्ताव चयन समिति के पास किया था। तो फ्रेंड्स, ये था इसका अपडेट। देखते हैं आगे क्या होता है। जो सुनवाई है वो सोमवार को होनी है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।